भूले चुके गलती के माफी मांग रहे हम ऐसे रे हीरा गढ़ बनाए गौड़ी क्षत्रियों के रे राना राजा बन के बनाए लाया होती गौड़ जमींदार हमारे भाई मां हीरागढ़ में रह रहा है गौड़ी क्षत्रिय राजा हुकनी दैया भाई झगड़ा है दई बिना हुकनी दई बिना कैसा नहीं जाए कि नहीं एक थे आदमी अकेले हम कस लगत थे बताए में हुकनी दे थे तब बाहर लगत कि नहीं ताइस न आए तो हीरागढ़ में रह रहा है गौड़ी क्षत्रिय राजा आ जा रहा है रेवा दादी रहा है पर रेवा बाप रहा है राजा लीला भाई बड़ी जोर से तो सब आज आदादन को जाति मुसलमान गाड़ दे रहे गौड़ी छत्री अकेले बच रहा है गौड़ी छत्री राजा हीरा खान और रानी हीरो के है तो नौ नौ दिन की जनमन में शादी भय रहा देश सिंघोलागढ़ से जाति पठानन पठानन के साथ उनकी नातागारी फांसे रहा है गौड़ी छत्री राजन के तो हीरा खान और रानी हीरो के नौ नौ दिन की जनमन में भाई देवी का हलाल दाम है तो शादी करके वह कन्या को लाने रहा हीरा खान को प्यावे तो दूसरा ना चल अपना बहू रानी को और आई से हम बढ़ चली नहीं जैसे कि दूजी की चंद्रमा बढ़त हो इसी प्रकार दोनों रानी राजा बढ़ चली नहीं छह साल की रहाए तो बारह साल जैसी दिखाए और भाई ऐसे राजा घराने की लड़की लड़कियां उनके ऐसा शरीर बने रहा है गौड़ी छत्री राजा के लंबे लंबे भुजा चौड़ी छाती घूंघट से बाल सिंह के समान शरीर जब दोनों शादी की योग्यता हो दोनों रानी राजा भाई बराबरी की जब होइने जब उनकी सुरता समरी से तो हीरा खान छत्री पूरा बावनगढ़ में अस्थि लगाए रहे कि पहला शादी मोर होना चाहिए यह न था बाद में गांव की लड़की लड़कन की शादी होना चाहिए पहला शादी मोर होना चाहिए इसके बाद में गांव की लड़की लड़कन की राजा रामाई कह रही अतन के बाद में शादी होना चाहिए जी तो वहां राजा के डर के मारे बस्ती में कुन्नों के शादी नहीं हो
आ टूरी टूरी रोए कहाँ आगी लगदार भाई वो यार राधा के चाल में दीदी आगी लग जा रे सगला मर के बाबा इसको खो दे तकाला के जाप सासरे में सबला टूरी रोए कई हजार नारी ने कई हजार टूरी ठाड़े बुढ़ाए भाई अगर राजा की डर की मारे कुन्नो की शादी नहीं हुए तो सबला लड़की एक दिन सलाही करें कहा देख तो दीदी हम शादी की युक्ता हो गए और हमार तो शादी की नहीं हो राजा की कहना है कि पहले शादी मोर होना चाहिए तो भाई कैसा करी हम सबला बाईस को मायके में खो दे तकाल के ससुरे में जा ऐसे कह की लड़की लड़की करे सलाही तो सबके मोहरे लेना है बाई बू चेयर बढ़ रहे बढ़ रहे कहा मैं हिसाब बताऊ तो हिसाब में चलिया तब बन जाई तुरंत और मोर हिसाब में ना रही तो जिंदगी शादी तुम्हार न हो तो टूरी टूरी कहा बताओ तो बाई कौन उपाय आए एक बात है कहा चला आज रानी को लज है पानी की लाने रानी हीरो को भाई लज है पानी के लाने सरवर सागर बंधा ताल में आए और जनवाने है दोनों रानी राजा का के तब अपन के शादी हो ही नहीं न हो सके ओहन तो दोनों जवा अखर नहीं जान आए भाई वो जनवा भाई तब शादी हो ही हमार नहीं बीच में होने वाले नहीं आए भाई बूचियर बढ़ रहे सलाही बताए सावला लड़किन को कहा एक काम करने है भाई आज रानी हीरो के लज में है पानी खिलानी और जनवाने है दोनों रानी राजा क्या की तब अपन की शादी हो ही नहीं नहीं हो सके उनके तो नौ नौ दिन की जनवन में शादी हो जब से वन तो जाने की नहीं आई हम दोनों रानी राजा कह के उन भाई बहन के रिश्ता से चल रहे ऐसे उन्हीं जनवाने हैं तब अपन की शादी होने वाली है नहीं बीच काल में नहीं हो सके तो सावला लड़की हो ने सलाही और नावकोरी लड़की सलाही हो कि रानी के महल में जाता है और रानी से कहा चल भाई पानी की लानी कह के सलाही करते हैं जी तो रानी कहा ये भाई मोर तो पानी लाने वाले अलग है खाना बनाने वाले अलग है भाई कपड़ा साफ करने वाले अलग है का करूं पानी यानी लान के वो ए भाई पानी लनैया तो मोर जी अलग पड़ी ने भैया सवा सवला लड़की बोला जी कहा अभी मर के महता तो बन गए भाई यदि तोर भाई उठा के कहूं सारी दे रहता कहीं कत्म लाल भैया पानी तक लाना है नहीं जाना है कहीं वो सबला लड़की सलाही बताए कहा अभी माइक के महा तब तो चल जाता है ठीक है जैसे भी है सब बढ़िया चल जाते हैं तो जिंदगी भर माइक किच में थोड़ी रह बिताए अगर तोर भाई तो उठा के कहूं शादी दे भाई कर तो भाई कही कि कितना अलालनीय लड़की है पानी तक लाने नहीं जाना है ऐसे कहीं तैसे पानी वानी तो लाने के लाने सिख पड़ के रही तो रानी हीरो का सही बात बताया दीदी ना बने महूत पानी लान लिया था ऐसे कहा के सोन की गगरी और रूप की गुड़निया धर के नवकोरी टूरिन के संग में सरवर सागर बंधा ताल में जाते भाई चमकत पानी के लाने देवी अवतारी रानी आए भाई चमके बड़ी जोर टूरी कहा देख दीदी आज आई मिली से मौका हाँ।
नौ कोल टूरन के संग में रानी रे नाला रे गैदारा रानी रे गारी अपना छाया को देख के अपने जज के रानी भारे रहे जवानी रानी के भारे जवानी रे जवा भाई रान खिरिया माँ पहुँची ने दादा जी सबाई बढ़ रहे नहाय राम पा की तलवा की भीच में बैठ गए रे चर्चा खोले की मारे बढ़ रहे नहाय राम का की तलाब की भीच में बैठ गए सब लड़की कहने भाई अक्का है चिंता है जो कि राम नालय के तय बैठी गए बड़ रहन का है वो शादी नहीं दी तो उनके भारी चिंता है भाई वो छह दांत का सब सरिया हो गया या खर साध च नहीं दे वो कहे भाई शादी न दे वो कहे देव तो भला मही को बड़ी जोर से सबला जवानी को मायके में खो दे पाले के जाऊं ससुराल तारानी अहीरो कहे मोरू भाई के चाल में आग लग जाए भैया मोला भी शादी न दे वो देव तो भला माहू शादी हो गए हमारे यो भैया की चाल में आगी लग जाए नहीं दे शादी भाई नजर में दिख रहे हो का नहीं मोरू भैया के हो तो सबला लड़की छकनी एक तरफी हो गई नहीं रे कहे भागवो भाई तोर कसरा जपाता तक कोरन में लड़का खिला तनु तोर कस राजा पातन भाई तब तक कोरन में लड़का खिला तन का के सब लटूरी बता था तो रानी डरा गए कहे नए भाई को नए मो राजा मैं तो आज तक नहीं जानिया वो मो राजा को सब लड़की कहे कौन होते तो राजा घर में है रे हीरा खाना है भाई तो रे धनी हो मौका पाए गए ने सब लड़की कहा है भाई कौन हो तो राजा हीरा खानी हो घर में है ऐसा यदि हम राजा पा जातन तो जरूर लड़का खिलातन कोरन में तो रानी कहा देखा दीदी निजी भाइया कैसी धनी बना रहे निजी भैया आए मोर हीरा खान और कैसे दोनों रानी राजा बना रहे हैं ऐसी क्या किरानी डांटे लगी से तो सबला लड़की एक तरफी रहा सबला जने एक सलाही एक बात बताए तो रानी हो गई से गुस्सा गागरी बकरी फेंक दी से रोहत 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 घर में चले गए देवी घलाल दामों के पास हरी के पास
हर जाय के बोलाय रानी काहे माता दीवार। या गांव की लड़की ज्यादा गराइने हो, दोनों भाई बहनन को रानी राजा बना रही ने। काजी वो दाई दुनिया माओ। अपना फुआ हरि से देवी घैलाल दामो से बोले, देवी रानी हीरो काहे माता जी, गांव की लड़की ज्यादा गर्राई जो कि निजी भाई को दोनों रानी राजा बनाए रही बना रही। तो हाँ से फुआ हरि कहा बेटी लड़की नहीं कर रहा, यहाँ कर रहा है हंसता है। सही करके तुम दोनों रानी राजा यार, यहाँ की कन्या तय नहीं होश। दे सिंह होला करके अपे सुरमुंडा तपे सुरमुंडा भारी लड़ने वाले रहे भंडा। बड़ी जोर से भाई अपे श्री मुंडा तपे श्री मुंडा भारी सुर राजा रहे भंडा है। वाज की बहनी आज तक बेटी बहन बेटी कहा बेटी नाना दिन के जन्मन में शादी करके लाने हूँ। आज पोष फरवा की गादी गादी के बनाया हूँ। ऐसी कह के फुआ हरि राय देवी घैलाल दामो बतायो। कहा देख रे बाबा देख बाबा।